क्या आपकी भी UPI पेमेंट्स कमजोर नेटवर्क के चलते अटक जाती हैं? तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पिछले साल सितंबर में इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI पेमेंट के लिए वॉलेट आधारित UPI लाइट सेवा लॉन्च की थी, जिसके चलते आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते थे। लेकिन इसकी लिमिट केवल 200 रुपए तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। हालांकि किसी भुगतान मंच पर UPI लाइट के जरिए अब भी कुल 2000 रुपए की ही राशि का लेन देन किया जा सकता है। RBI ने UPI लाइट की सीमा बढ़ाने के परिपत्र को जारी करते हुए कहा, ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंटरनेट सुविधा से वंचित मोबाइल यूजर्स के लिए ऑफलाइन भुगतान की सुविधा सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म UPI लाइट स्पेशली बनाया गया था। हालांकि तब इसमें सिर्फ 200 रुपए तक का ही लेन देन किया जा सकता था। पेमेंट का दायरा बढ़ाकर हुआ 1 करोड़ रुपए। लेकिन देखा जाए तो कुछ समय में ही UPI लाइट अब पॉपुलर हो गया है। इस समय इसके जरिए महीने भर में 1 करोड़ से भी अधिक के लेन देन होने लगे हैं। UPI लाइट का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए RBI ने अगस्त की शुरुआत में NFC प्रौद्योगिकी की मदद से ऑफलाइन लेन देन की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा था। NFC के जरिए लेन देन किए जाने पर पिन इनपुट करने की जरूरत नहीं रहती है।